हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं अमन और मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर मोशन में, और जो आज का टॉपिक होगा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, कीप वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो होगा स्पीड के बारे में। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? एक बार इसकी डेफिनेशन को लिख लेता हूं मैं। द बॉडी इज डिफाइन एज व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या लिख सकते हैं हम पर सेकेंड। देखिए यहां पर हमने स्पीड को कैसे फाइंड आउट किया है। एक बॉडी है, वो कैसे डिफाइन करती है स्पीड को? जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल होता है पर यूनिट टाइम में। फॉर्मूले को एक बार हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में राइट डाउन कर लेता हूं। नाउ स्पीड विल इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट में टाइम, या हम बोल सकते हैं रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट में टाइम। अब आप यहां पर देखिए, जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड इज आल्सो नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी कैसी होगी हमारी? स्केलर क्वांटिटी। हम यूनिट के बारे में एक बार देख लेते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या होगी। स्पीड को ऐसे डिनोट करता हूं। नाउ डिस्टेंस कैन मेजर इन मीटर एंड टाइम कैन मेजर इन सेकेंड, इज ऑल्सो नोन एज राइट ऑन बोर्ड की पर सेकेंड। सो यूनिट क्या होगी मेरी? मीटर पर सेकेंड। सो ये बात करी हमने स्पीड की। चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत ही अच्छा आपस में अच्छा रिलेशन है, कुछ छोटा सा ही चेंज है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। ए बॉडी इज डिफाइन एज व्हेन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट में टाइम। वेलोसिटी कैन राइट वी। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पाई में टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ए टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। सो जिसके हिसाब से जो वेलोसिटी होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी शो हो रही है और मैग्नीट्यूड भी शो हो रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट के बारे में हम जानते हैं कि वेलोसिटी कैन रिप्रेजेंट बाय वी। नाउ डिस्प्लेसमेंट एस एंड टाइम टी। यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट को मीटर से, टाइम को सेकेंड से। सो अगेन एज द पर डिस्टेंस की जो यूनिट थी वही डिस्प्लेसमेंट की होगी, मीटर पर सेकेंड। सो यहां पर आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पता चली, उनके फॉर्मूले के बारे में पता चली, उनकी यूनिट के बारे में पता चली। आगे हम डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसे ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।